तो हेलो एवरीवन, ये है IFCI के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। तो आगे यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि जो शेयर के रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर कैसे देखने को मिले हैं। देखते हैं यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम को। ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो 157.2 करोड़ था, जो क्वार्टरली बेसिस में 215.70 करोड़ यहाँ पर हो गया है। क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है। और अब एक्सपेंसेस की बात करें तो वो ईयरली बेसिस में 61.23 करोड़ था, जो क्वार्टरली बेसिस में 190.97 करोड़ यहाँ पर हो गया है। इनकम के साथ साथ यहाँ पर जो है शेयर के एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए हैं। आगे हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें तो वो ईयरली बेसिस में 44.64 करोड़ था, जो क्वार्टरली बेसिस में 26.21 करोड़ यहाँ पर हो गया है, ब्रैकेट में है यानी कि लॉस में है। अब इस शेयर के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो ईयरली बेसिस में 31 पैसे था, जो क्वार्टरली बेसिस में 0.04 पैसे के राउंड यहाँ पर हो गया, ब्रैकेट में है यानी कि लॉस में है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो शेयर के रिजल्ट है वो अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। और प्राइस लेवल भी यहाँ पर 5% तक की गिरावट के साथ 62 रुपये जो है शेयर का फिलहाल के लिए क्लोजिंग प्राइस देखने को मिला है। तो होल्ड करके रखना चाहे तो नेक्स्ट क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो जैसे ही अप ट्रेंड की तरफ मूव अगर मंडे को करता है या 65 रुपये इस मंथ तक का टारगेट मिलता है तो आप इस शेयर को सेल यहां पर कर सकते हैं।